मोरिकुलर डॉकिंग आज की वीडियो पे हम मोरिकुलर डॉकिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट उनके बारे में बात करें इस टॉपिक की टॉपिक आपके बी फार्मेसी मेडिसनलिस्ट्री थ्री जो यूनिट नंबर फाइव के जो ड्रग डिज़ाइन चैप्टर है उसका ही पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक है हम प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं थ्योरी बेस्ड कवर करने वाले हैं प्रैक्टिकल बेस्ड जो आपके डिटेल्स हैं हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स ठीक है एंड वी टू यू प्रीवियस रेज रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी एंड मेडिसल केमिस्ट्री यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक इसके लिए आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने सारे नोट्स मेरी वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट फार्मेसी कॉन्सेस डॉट इन पर अपलोड करता हूँ वहाँ विजिट कीजिए वहां से आप नोट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं सो लेट स्टार्ट द टॉपिक सो मकुलर डॉकिंग मोलर डॉकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं आपके ड्रग डिजाइन को लेकर इसके थ्रू ही हम बेसिकली आपके जो ड्रग हम डिजाइन करते हैं आपके जो रिसेप्टर्स और जो लिगान है उनके की जो एफिनिटी है उसको हम चेक करते हैं ठीक है एक तरीके से आपका कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन का ही पार्ट है सो मल्टो डॉकिंग इज द कंप्यूटेशनल मेथड टू आइडेंटिफाई द आर्किटेक्चर ऑफ द कंपाउंड्स जनरेटेड बाय द टू और मोर डिस्टिंक्ट मॉलिकल्स तो बेसिकली इसमें जो आपका आर्किटेक्चर्स हैं आपके कंपाउंड्स का जो लीगांड है उनके जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं उनकी जो बेसिक एफिनिटी हैं आपके टारगेट प्रोटीन से उसको बेसिकली हम लोग कम्पिटेशनल मेथड से हम आइडेंटिफाई करते हैं ये भी एक तरीके से एक मैथमेटिकली मॉडल्स हैं एक एल्गोरिदम के रूप में काम करता है जिसमें हमको हम एक तरीके से इसमें स्ट्रक्चरल बेस्ड डिजाइन करते हैं टोकिंग इज वाइडली यूज टू एंटिसिपेट द इंट्रैक्शन बिटवीन द लिगान्स एंड टारगेट प्रोटीन्स इसमें जो लिगानस हैं और टारगेट प्रोटीन्स हैं इनके बीच में जो भी इंट्रैक्शन होता है उसको बेसिकली हम इसमें जो हैं एंटिसिपेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द एफिनेटी एंड द एक्टिविटी उसके एफिनिटी कितनी होती है और एक्टिविटी क्या होगी ठीक है टोकिंग प्ले क्रिसियल या क्रिटिकल रोल इन द रेशनल ड्रग डिज़ाइन कंसिडरिंग द बॉलॉजिकल एंड फार्मोकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ डॉकिंग स्टडीज मस इफर्ट हैज़ बीन मेड टू इम्प्रूव द एलोदम्स फॉर डॉकिंग प्रोटेक्शन ठीक है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले रोल प्ले करता है हमारे फार्मोकोलॉजिकल टूल्स uh, के हिसाब से क्योंकि हम बहुत सारे ड्रग्स को हम डिज़ाइन करके उसको हम इन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम डॉकिंग के थ्रू रनिंग करते हैं और उसमें जो बेस्ट्स बेस्ट आपके लिगान्स हैं जो बेस्ट आपके मॉलिकुल्स होंगे उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर इंट्रेक्सन ठीक है उनके जो इंट्रेक्शन होंगे आपके रिसेप्टर के बेस पे उसकी जो एफिनिटी होगी जो बाइंडिंग स्कोर्स होगा एनर्जी होगी उसके बेस पे हम आपके जो ड्रग्स हैं लिगान्स हैं उसको हम सेलेक्ट करते हैं उसके बाद जो है हम उसको फिर अपने लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं तो जो बहुत सारे आपके जो डेरिवेटिव्स हैं वो हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है नहीं तो अगर हम ट्रेडिशनल वे पे जाएं तो हमको बहुत सारे डेरिवेटिव्स बनाना पड़ेगा उसको फिर सबको इन वी एक्टिविटी करना पड़ेगा ठीक है फिर जाके हम बोल सकते हैं कि इसकी जो एक्टिविटी है वो हाई है इसकी कम है इसमें जो है हम जो बेस्ट आपके रिजल्ट होंगे उसको ही हम लेके काम करेंगे ठीक है सो डॉकिंग इज ए मैथमेटिकल टेक्निक्स दैट एंटीसिपेट दिफेबल ओरियंटेशन ऑन ऑफ वन मॉलिकुल्स मे बी ड्रग और विच हैजिगान रिलेटेड टू द एनेदर मीन्स मे बी ड्रग प्रोटीन एंड विच इज द विच हैज द बाइडिंग साइट्स तो वो जो आपका ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं उसका जो बेस्ट ओरिएंटेशन क्या है वो किस तरीके से किस ओरिएंटेशन में जैसे कि सपोज ये आपका क्या है ये है आपका टारगेट प्रोटीन मान लो ये है आपका ड्रग ठीक तो इस ड्रग के बहुत सारे केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं उनका जो स्ट्रियो आइसोमर्स होते हैं है ना तो थ्री स्ट्रक्चर होता है बेसिकली तो ये जो दोनों का स्ट्रक्चर होता है वो एक तरीके से थ्री फॉर्म पर होता है और थ्री डी के और इनका जो थ्री रोटेशन इस तरीके से हो बेहतर हो कि वो इनका जो इंट्रैक्शन है वो प्रॉपर वे पे हो सके तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रोल करता है क्योंकि तो हम जानते हैं कि जो इसका एस्ट्रो आइसोमर्स हैं आपके ड्रग्स का वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रोल प्ले करता है आपके ड्रग एफिनिटी पे जैसे कि बात करें एडनलिन की तो उसमें आपका लियो एडनलिन एक्टिव होता है जबकि टेक्स्ट्रो एडनलिन इनएक्टिव होता है वो आपके सटर बाइंड नहीं कर पाते हैं ठीक है सो यूजिंग द स्कोरिंग फंक्शंस बाइंडिंग एनर्जी हम इसमें स्कोर देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी कितना है है ना तो माइनस टेन माइनस इलेवन माइनस ट्वेल्व इस तरीके से बाइंडिंग एनर्जी होती है आपके किलो किलो किलोरी ठीक है के बेस पे तो एक्चुअली uh, जो है जितना बाइंडिंग uh, एनर्जी कम होगी उसकी जो स्टेबिलिटी है ठीक है वो हाई होगी क्योंकि एनर्जी जितना लो होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही अच्छी होती है उसके स्कोर उतना अच्छा हो जाता है इट इज़ पॉसिबल टू एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द बाइंडिंग एफिनिटी अक्रॉस द टू कंपाउंड्स बेस्ड ऑन देयर प्रिफ्रेंसियल ओरिएंटेशन तो उनके प्रोविंसियल के बेस पे हम इससे जो है टॉकिंग जो है इस, इस बॉन्डिंग एनर्जी के थ्रू हम उनके जो स्ट्रेंथन है स्ट्रेंथ है आपके एफिनिटी का किसका आपके एफिनिटी का वो हम इंटिसिपेट करते हैं या जानते हैं ठीक है सो सिग्नल ट्रांसडक्शन इज डिपेंड ऑन द इंट्रैक्शन ऑफ द फिजियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट सब्सटेंस सच एज द प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स उसका जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है किसी भी ड्रग का वो आपके ड्रग प्रोटीन इंट्रैक्शन के पेज पे होता है ऐसे हम बात कर चुके हैं फार्माकोलॉजी आपने पढ़ा होगा फोर्थ सेमेस्टर में तो आपको पता है सपोज ये आपका ड्रग है ये आपका रिसेप्टर्स हैं तो जो आपका बनेगा डी आर कॉम्प्लेक्स तो डी आर कॉम्प्लेक्स जो बनेगा आपका उसकी एक स्ट्रेंथ होती है बाइंडिंग स्टेबिलिटी जितनी अच्छी होती है उसका जो स्ट्रेंथ है वो एक तरीके से आपका इफ़ेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक है जिसका इंटर इंट्रैक्शन जिसका इफिनिटी सबसे हाई होगी उसका जो स्ट्रेंथन हाई होगी तो उसका एक्टिविटी इफेक्ट भी अच्छी तरीके से आएगा इसी बात करें पार्सल एगोनिस्ट की तो पार्सल एगोनिस्ट जो हैं आपके फुल्ली रिस्पॉन्स नहीं शो करते वो मैगजिमम रिस्पॉन्स नहीं पहुँचते हैं लेकिन जो एगोनिस्ट हैं कम्युनिटी एगोनिस्ट हैं ठीक है वो आपके मैक्सिमम रिस्पॉन्स तक पहुँच सकते हैं क्यों होता है क्योंकि उनकी जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो प्रॉपर नहीं होती है प्रॉपर वे पे सो द गोल ऑफ डॉकिंग स्टडीज टू ऑप्टिमाइज द सेप एंड ऑफ बोथ लिगान एंड प्रोटीन तो बेसिक गोल क्या है कि हम उनके जो स्ट्रक्चर हैं आपके प्रोटीन्स के और लिगान्स के उसको ऑप्टिमाइज करें आपस में आपस एक दूसरे के लिए वो कम्फर्टेबल बनाएं ताकि वो इजिली एक दूसरे से एक प्रॉपर वे पे फिट वे पे बाइंड हो सके उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम से कम हो स्टेबिलिटी हाई से हाई हो और उनका इफेक्ट फिर हाई से हाई हो एज वेल द रिलेटिव ओरेंटेशन ऑफ द प्रोटीन एंड लिगान्स टू रिड्यूस द टोटल सिस्टम फ्री एनर्जी तो उसमें हम जो है जो फ्री एनर्जीज हैं उसको हम रिड्यूस करते हैं हम उनका जो जियोमेट्री है उस तरीके से हम लोग उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू ही इसमें जितने भी फ्री एनर्जी है उसको हम लोग इलिमिनेट करते हैं ताकि इसको जो एनर्जी है स्टेबल हो सके ठीक है तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा ये टारगेट प्रोटीन्स हैं जो कि बहुत स्ट्रक्चर उसका बहुत बड़ा होता है क्योंकि बहुत सारे जो एमिनोसिट्स उसमें मिल बने होते हैं ठीक है और एक तरीके से हमारे ड्रग के मॉलिकल्स होते हैं केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं तो ये आपके बहुत सारे इसमें बाइंडिंग साइट्स होंगे है ना सपोज बहुत सारे आपके बाइंडिंग साइट्स हैं ठीक अलग अलग बाइंडिंग साइट्स इसमें मान लो प्रेजेंस होते हैं ठीक है कि नहीं तो अब वो डिपेंड करता है कि वो आ, कहां पर जाके बाइंड करता है सपोज आपका जो ठीक तो इस एरिया पे अगर बाइंडिंग साइट उसकी अच्छी होगी तो वो उस एरिया पे जाके बाइंड करेगा जबकि आगे बाकी जगह पे बाइंड नहीं करेगा ठीक है तो वह भी हम इसमें चेक करते हैं ऐसे ही देख सकते हैं हम इस इमेज पे ये आपका स्ट्रक्चर है ये आपका स्टाइल कोलिन एनर्जी कुलिन, रिसेप्टर जो बात करें हम लोग उसमें जो आपका स्टाइल कोलिन है बात करें या फिर बात करें हम लोग ये इसका जो एम टू रिसेप्टर्स हैं उसका ये एक स्ट्रक्चर है जो हमने आ, लिया है आपके प्रोटीन बाइंडिंग साइट के थ्रू ठीक है हम डायरेक्टली जो है हम आपको शो कर सकता हो मैं कि हम जैसे कि ये आपका प्रोटीन बैंडिंग साइट्स हैं जैसे कि हम सर्च करेंगे आपका प्रोटीन पी प्रोटीन डाटा बैंक ठीक है तो आपको डाटा बेस मिल जाएगा आपको ठीक तो उस पर आप जो हैं ड्रग्स इसमें चूज कर सकते हैं कुछ भी जैसे की बात कि बात करें हम लोग मस्किन रिसेप्टर्स या आपके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स है ना तो इसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं एम वन एम टू एम थ्री ठीक है तो जो भी हमको मिलता है जैसे कि मान लो हमको ये हम लोग इस पर जाते हैं चलो हम लोग देखते हैं एम रिसेप्टर्स सेप्टर को बारे में तो ये आपका बहुत सारे साइट आ जाते हैं तो ये आपके जो हैं, 3D है थ्री स्ट्रक्चर हैं आपके थ्री स्ट्रक्चर किसके आपके प्रोटीन के ये रिसेप्टर्स का ठीक है ये आपके ह्यूमन एमोन रिसेप्टर्स हैं ठीक है जो कि एंटागोनिस्ट ट्रायो से बाइंड हुआ है तो इसको हम इसलिए हम क्लिक कर सकते हैं और इसके थ्रू जो आपका स्टैंडर्ड जो डाटा बैंक हैं उसके थ्रू हम लोग जो हैं आपके पी फॉर्मेट पर हम लो डाउनलोड कर लेते हैं डाउनलोड करने के बाद जो है हम इसको डायरेक्टली ओपन करके देख सकते हैं मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो आपका एक तो डिस्कवरी स्टूडियोस है हैं और एक है आपका एग्रेस लेब तो ये डिस्कवरी स्टूडियो जैसे बात कर सकते हैं तो ये देख सकते हैं हम लोग ये बेसिक आपका स्ट्रक्चर है है ना उस पर आपके बहुत सारे ड्रग देख देख सकते हैं हम लोग ये हम लोग सर जूम करते हैं इसको दे सकते हैं ना ये आपके बाइंडिंग्स हुए हैं ठीक ठीक है तो इस तरह से हम जो है इसको चेक करते हैं कैसे करते हैं पर्टिकुलर वे पे हम लोग आगे बात करें बात करेंगे डिटेल पे ठीक ये आपका टूडे आपका वो है ये आपका जो ड्रग है आपका हमारा ड्रग है जो हम लोग बात कर रहे थे टाइट्रोपियम का और ये इनकी जो बाइंडिंग जो एमिनोसिड्स हैं ठीक है ये एमिनोसिड्स से आपका बाइंडिंग हुआ है एलानिन है आपका ठीक है, है ये सब एनानिन है लियोसिन है थ्रियोनिन है ये सब एनोसि इंट्रेक्शन हुआ है ठीक कैसा इंट्रेक्शन है ये जो येलो बा। येलो बॉन्ड ये है वो आपका आ, ये आपका जो है अट्रेक्टिव चार्ज है ठीक ये आपका कन्वेंशनल हाइड्रोजन बॉन्ड है जो आपका ये है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं तो ये आपको पूरा मिल जाता है डाटा वगैरह तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं तो उसी का हमने सिंपल एक लिया है तो ये सिंपल जो हम जो शो कर रहे हैं वो आपका बेसिकली स्टार्टर है ये आपका है एक ड्रग है ठीक तो इस तरीके से जो है कॉम्प्लेक्स में इंट्रेक्शन होते हैं ठीक है तो अब बहुत तीन टाइप ऑफ डॉकिंग सी डॉकिंग किस तरह से करते हैं बेसिकली दो टाइप का का होता 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 है का, एक होता है एक होता है डॉकिंग 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 एक एक रिजिड फ्लेक्सिबल दोनों अलग अलग है रिजिड डॉकिंग की बात करें तो हम ये मान लेते हैं हम एंज्यूम करते हैं कि कंपाउंड्स आर द इनफ्लेक्सिबल जो कंपाउंड्स हम बना रहे हैं वो उनका स्ट्रक्चर फिक्स है वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं इनफ्लेक्सिबल होते हैं एंड वी आर सिकिंग ए रीअरेंजमेंट ऑफ वन ऑफ द कंपाउंड्स इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस दैट रिजल्ट इन द बेस्ट मैच to द अदर compounds इन द पैरामीटर्स ऑफ द स्कोरिंग सिस्टम तो हमारा जो ड्रग का लिगांड है लिगांड वाइंडिंग साइड से लिगांड है एक तरीके से वो का जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स होता है फ्लेक्सिबल नहीं होता वो अपना ओरिएंटेशन चेंज नहीं करता है ये मानते हैं ठीक है कि हम लोग बनाए एल फॉर्म बनाए हैं तो एल फॉर्म ही रहे वो ठीक और उसके बेस पर हम जो अपना टागेट ड्रक, प्रोटीन्स हैं उस पर हम लोग बाइंडिंग चेक करते हैं ठीक द लिगान्स कन्फर्मेशन कैन भी फॉर्म्ड विद द और विदाउट रिसेप्टर बाइंडिंग एक्टिविटी तो उसमें जो आपका कंफर्मेशन है वो बना बनाते हैं हम लोग फिक्स करते हैं चाहे उसमें बाइंडिंग एक्टिविटी हो या ना हो एक होता है फ्लेक्सिबल। मतलब हम स्ट्रक्चर को फिली छोड़ देते हैं कि वो अपना कंफर्मेशनल चेंज कर सकता है ओरटेशन चेंज कर सकता है ताकि वो रिसिप्टर्स पर ईजिली फिट हो उनका जो नेचर है वो हो एक तरीके से हम आगे बात करेंगे सो इन विद ट्रांसफॉर्मेशन, वी एवलेट द मोलिकुलर फ्लेक्सिबिलिटी इसके थ्रू हम जो है कॉम्प्लेक्स तो बी आर कॉम्प्लेक्स होगा उनमें जो आपके मौजूद होंगे उनका क्या ओरिएंटेशन है वो किस फॉर्म पे है उसमें हम लोग इसके थ्रू हम लोग जान सकते हैं बात करें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज की तो जो थ्योरीज हैं वो है आपका लॉक एंड की थ्योरीज है ठीक तो आपका इसमें जो है आपके एम एल फिसर क्रिएटेड ए कॉन्सेप्ट टर्म्स द लॉक एंड की मॉडल इन नाइनटी एस सीन इन द फिगर टू डिस्क्राइब द हाउ बॉलॉजिकल प्रोसेस आर ऑपरेट तो ये एक तरीके से है तो पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो हम जो भी कंटेंट हम यूज कर रहे हैं वो मैंने बुक से नहीं वो आपके रिव्यू आर्टिकल से हमने लिया है इसका जो लिंक है रिव्यू आर्टिकल का ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है चाहे तो आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं हम राइट क्लिक करेंगे इस पर जाके तो आपका जो पेपर है इसका वो आपको ईजिली मिल जाएगा जो बेसिक सोर्स है हमारे इस, इसका तो आप फुल टेक्स्ट को पी डी फॉर्म में देख सकते हैं जो सारा जो हमने मटेरियल है इसके रिगार्डिंग लिया है तो जो भी इस वीडियो का जो क्रेडिट है कंटेंट का वो बेसिकली आपके रेवल इटाल को जाता है ठीक है तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं जो मैं बेसिक कंटेंट रखा हूँ जिसके बेस पे आपको एग्जाम में क्रैक कर सके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम इंपॉर्टेंट होगा वो क्रैक कर सकते हैं ठीक है बाकी डिटेल के लिए आप इसमें जा सकते हैं ठीक है चलिए आते हैं हम लोग थ्योरी के बारे में तो ये लॉकिंग की थ्योरी है जिसमें आपका ये की है ये लॉक है और हर ये लॉक आपका मान लो क्या है ये प्रोटीन है या एंजाइम्स हैं ठीक है जो टारगेट प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं ये हमारा ड्रग है ये है आपका ये जो दिखाई दे रहा है एक तरीके से वो आपका लिगान है ऐसे कंपाउंड्स ऐसे एलिमेंट्स आपके स्ट्रक्चर पे हो मोलिकल्स पे हो जो कि उस आपके लिगान बाइंडिंग साइट से इंटेक्ट करे और ये आपका पूरा जो क्या है ये टारगेट प्रोटीन्स हैं जो एंजाइम्स हैं और ये है आपका बाइंडिंग साइट क्या है एल बी एस जो कि इस तरीके से आपका बाइंडिंग साइट से आपके बाइंड करता है फिक्स फॉर्म पे तो ये लॉक इन की सब कॉन्सेप्ट कौ, कौ, है जो कि रिजिट फॉर्म पर होता है एक होता है इंडिजल फिट थ्योरी सो डेनियल कॉस्टलाइन प्रोसेस द इंड्यूस द फिट थ्योरी इन नाइनटीन फिफ्टी एट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इज दैट दू थ्रू आउट द करेक्टर्स रिकोगनाइजेशन बोथ द लिगान्स एंड टारगेट्स एस एन इन द फिगर एडाप्टन एंड इधर बाई द मोडेस्ट कंफॉर्मेश तो इसमें जो आपका ड्रग है प्रोटीन है ड्रग टारोटीन्स हैं लिगान्स हैं वो अपने कंफर्मेशनल को ओरियंटेशन को चेंज कर सकते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं ताकि बेस्ट फिट हो सके जैसे कि आपका आ, ये आपका टारगेट प्रोटीन्स हैं ये आपका ड्रग है सो स्टेट है साइट्स हैं ये बाइंडिंग होता है इस तरीके से ठीक तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली उस शेप में नहीं है बट ये धीरे धीरे जो है अपने शेप को कंप्लीटली उस फॉर्म पे बना सकते हैं और ये अपना जो प्रोडक्ट है वो लीज कर सकते हैं तो इस तरीके से ये आपका सेप था जो कि अपने आप इस पर चेंज हो गया एक इसके अनुसार ड्रग के अनुसार आपका प्रोटीन का जो है तो ये जो है इनका कंफर्मेशनल चेंजेस हो जाते हैं और वो अपना ओरेंटेशन चेंज करके जो मैचिंग है बेस्ट फिट करते हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है दूसरा जो कि इंपॉर्टेंट है उसके बाद हैं हम लोग मार्कुलर डॉकिंग अप्रोचेस की तो फर्स्ट है आपका मांटे कार्लो अप्रोचेस ठीक है इट इस से रेंडेमाइज कंफर्मेशन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ द लिगान्स इन एक्टिव साइट्स तो ये आपके लिगान एक्टिव साइट्स के अनुसार जो है उसका जो कंफर्मेशनल है ट्रांसलेशन है रोटेशन है सब कुछ करता है बेसिक्स हैं आप इसको अगर पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ फिलहाल क्योंकि उतना इंपॉर्टेंस नहीं है अगर शॉर्ट नोट्स में आता है तो आप शायद इसको छोड़ सकते हैं तो भी दिक्कत नहीं है जितना कंटेंट काफी हो उतना पढ़िए बेसिकली ये डिटेल है पीजी में आप पढ़ेंगे डिटेल में तो अच्छा रहेगा क्योंकि मेरा जो स्ट्रीम फिजिकली फार्मेटोलॉजी है तो एकदम डीप नॉलेज मुझे भी नहीं है मैं भी बेसिकली एक पढ़ रहा हूँ पढ़ाऊँ थोड़ा बहुत जो भी मेरा नॉलेज था आपके भी हम लेवल के हिसाब से तो मैं आपको आपको दे रहा हूँ ताकि कोई आपको नोट्स हो कि आप उसमें कंटेंट क्या लिख सकें बाकी डिटेल्ड जो है आप जब पीजी करेंगे या स्पेसिफिक जब आप मास्टर करेंगे पी करेंगे तो आपको और मालूम चलेगा क्योंकि एक टॉपिक जो बेसिकली आपका प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है ठीक है फिर मैचिंग अप्रोचेस दिस स्ट्रेटीज द आइडियलनेस ऑप्टिमल लोकेशन ऑफ द लिगान एटम इन द साइट इज द डिटरमाइंड रिजल्टिंग ए लिगान सेप्टर अरेंजमेंट दैट माइट ऑल्सो नीड टू द इम्प्रूवमेंट तो हम इसमें लिगान सेप्टर अरेंजमेंट को आइंटिफाई करते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं लिगान फिट अप्रोच इसमें लिगान जो है आपके फिट होता है आपके रिसेप्टर से लिगान फिट वर, तो इस वर्ड रिफर्स टू क्विक एंड प्रिसाइस मेथोलॉजी फॉर डॉकिंग स्मॉल मार्कुल्स लिगान्स इंट प्रोटीन एक्टिव साइट्स वाइल द टेकिंग सेप कम्प्लीमेंट्री इन टू अकाउंट तो एक, एक तरीके से लॉक लॉकिन की थ्योरी कॉन्सेप्ट जैसा है पॉइंट कम्प्लीमेंट्री अप्रोच तो सब आपके हैं लॉकिन सॉफ्टवेयर्स की तो देर आर सेवरल सॉफ्टवेयर यूज इन द यूज फॉर द डॉकिंग मेथड्स लाइक द डिस्कवरी स्टूडियो जो मैं आपको दिखाया उसके अलावा एरगेस लेब जिसमें प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से करते हैं एक स्पेसिफिक जो बेसिक नॉलेज है वो फिर सोलेंजर है आपके हेमड्ड है आई सी एम एम सी डॉक गोल्ड जेम डॉक ग्लेड फ्लैक्स एक्स ऑटोडॉक यू का बहुत सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं तो क्या इसके बेसिक एप्लीकेशंस हैं आपके हम ड्रग डिज़ाइन में करते हैं आपके लिगान प्रोटीन इंटक्शन के एफिनिटी को चेक करते हैं एडिटी को चेक करते हैं उनकी कंप्यूटिक को चेक कर सकते हैं आपके हीट आइडेंटिफिकेशन लीड ऑप्टिमाइजेशन लिगान प्रिपरेशन सफ्टेयर प्रिपरेशन टारगेट सिलेक्शन वगैरह जो है हम इसके थ्रू कर सकते हैं तो ये बेसिक इसके एप्लीकेशन हैं डिटेल पढ़ना हो तो आप रावल के एंड गत्रा टी जो हैं उन्होंने आपका बेसिक टाइप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द दर्क टॉकिंग रिव्यू पेपर छापा है पेपर उन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया है इसका लिंक है डीवाई लिंक है आप उस पर क्लिक कीजिए तो आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे उस पेपर पर पे, आप डाउनलोड कर लीजिए उसको आप डिटेल पढ़ सकते हैं सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द मोलर डॉकिंग आई होप यू लाइक लकडियो इफ यू लाइक लकडियस प्लीज प्रेस द लाइक बटन शेयर विथ योर फ्रेन एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन दैट मोटिवेट्स फॉर डॉकिंग डॉकस इन लास्ट थैंक यू कीॉचिंग